हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के यहाँ पे मैं अभी मॉस्को में हूँ और मॉस्को से मैं इंडिया आने के लिए निकल रही हूँ। पहले मैं दिल्ली पहुँचूँगी और दिल्ली पहुँच के सब अतिथि के क्लासेस वगैरह का एडजस्टमेंट करके फिर मैं बॉम्बे आऊँगी। बॉम्बे आने में अभी 4-5 दिन है। और फ्रेंड्स, अभी बजे हैं सुबह के 11 यहाँ पे, और हमारी फ्लाइट तो शाम की है, पर एयरपोर्ट आज यहाँ पे बहुत ट्रैफिक दिखा रहा है, तो हम लोग थोड़ा जल्दी एयरपोर्ट जा रहे हैं। और वेट बहुत सारा है, हमें कल मालूम पड़ा कि ये लोग लैपटॉप बैग भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो हमारी एरोफ्लोट की फ्लाइट है, तो देखना पड़ेगा। अब हमारे तो बहुत टेंशन हो रहा है कि कैसे क्या करेंगे, लैपटॉप को कहाँ एडजस्ट करेंगे, पता नहीं पड़ रहा है। वहाँ एयरपोर्ट पर जाके ही देखना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, कल यहाँ पे खूब बारिश हुई शाम को। कल हम लोग गए थे थोड़ा सा एम एम स्टूडियो, पता नहीं क्या था वो, एम वीडियो या एम स्टूडियो, तो वहाँ पे गए थे। और वहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया है, जो यूट्यूबर्स को कौन सी एसेसरीज लगती है, वो सब का एक मैंने छोटा सा वीडियो बना के अपलोड किया है, तो आप मेरे वो वीडियो भी देख लेना। और अगर और मेरा इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरा नाम है ज्योत्सना जायसवाल। तो फ्रेंड्स, अब मैं निकलने की तैयारी कर रही हूँ और बस अब थोड़ी देर में निकलेंगे हम एयरपोर्ट के लिए। तो फिर एयरपोर्ट के पे जाके मैं आपसे बात करती हूँ। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, फाइनली अब हम निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए। ये मॉस्को की रोड पे हम चल रहे हैं, टैक्सी में बैठे हैं। और कितने सारे दिन रशिया में गुजारने के बाद अब हम इंडिया में जा रहे हैं वापस। शाम की हमारी 7 बजे की फ्लाइट है ना, 7 बजे की फ्लाइट है। तो फ्रेंड्स, एयरपोर्ट जाके मिलते हैं। और मैं आँख भर के थोड़ा सा रशिया और मॉस्को और देख लेती हूँ थोड़ा सा बाहर, और आपको भी दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और वेट हमारा प्रॉपर हो रहा है। सिर्फ एक एक्स्ट्रा बैगेज है छोटा सा, या तो वो चला जाएगा या उसको फेंक देंगे हम। ऑलरेडी होटल में बहुत सारा सामान फेंक के आए हैं, बहुत सारे जैकेट्स शूज़ वगैरह सब फेंक दिए हमने, क्योंकि हमारा एक्सेस वेट हो रहा था। तो फ्रेंड्स, अब हम वेटिंग कर रहे हैं। 2:20, तो अभी 2:20 हुई है और हमारा चेक इन 4 बजे स्टार्ट होगा। बहुत जल्दी आ गए क्योंकि वजन का बहुत टेंशन आ रहा था, इसलिए हमने बट अभी वेट कर लिया है, तो थोड़ा ठीक है। हाँ, रिलैक्स हो गए। सिर्फ एक बैग एक्स्ट्रा, अगर वो गया तो गया, नहीं तो उसको फेंक देना पड़ेगा हमको। और फ्रेंड्स, बाकी क्या चल रहा है, बारिश है क्या मुंबई में अभी? तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। थोड़ा नाश्ता लेके आए हैं, वो नाश्ता करेंगे हम अभी और फिर मैं आपके साथ कनेक्ट हो होती हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय। हम लोग अभी मनी एक्सचेंज करवाने के लिए आए हैं यहाँ पे। इधर आ जाना अभी, क्योंकि पैसा जो बच गया है उसको एक्सचेंज करवा लेते हैं, वो कुछ काम नहीं आने वाला इंडिया जाके अभी। तो चेक कर रहे हैं यहाँ पे कहाँ पे मनी एक्सचेंज हो रहा है। क्या रेट है पूछना पहले अपने पास कितना पैसा वो बता।
देख रही है। गाइस जब तक चेकिन स्टार्ट नहीं हो जाता है तब तक टेंशन का काम है। जब तक एक बार बैगेज सारे अंदर नहीं चले जाते हैं तो अतिथि इंक्वायरी कर रही है कि कितने बजे चेकिन चालू हो रहा है। ये इन्फॉर्मेशन काउंटर है, वहीं पर हम आए हैं। अब हम लोग एयरपोर्ट पे है। कौन सा एयरपोर्ट है बेटा? ये शर्मितोवा मॉस्को में ये एयरपोर्ट पे है और पहुंच गए हैं। सारा चेक इन हो गया है। बहुत परेशान हुए, एक बैग तो एक जन के साथ भेज दिया हमने, बहुत सामान था। तो वो प्लेन में मिलेगा ना उसको, तब थैंक यू बोलना, चॉकलेट खिला देना थोड़ा। बेचारा अच्छा था, स्टूडेंट था कोई सेकेंड ईयर का, उसने हमारा बैगेज ले लिया। अभी हम यहाँ पे वेटिंग कर रहे हैं जाने के लिए। तो चलिए हम पहले चलते हैं अब ड्यूटी फ्री शॉप में, थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, मैं आपको दिखाती हूँ मॉस्को का ये एयरपोर्ट। ओके फ्रेंड्स, अभी हम ड्यूटी फ्री शॉप में से थोड़ा सा शॉपिंग करेंगे। तो एयरपोर्ट पे अभी है, मॉस्को के एयरपोर्ट पे हम थोड़ा सा घूम रहे हैं। आइए चलिए, सारे ड्यूटी फ्री शॉप में हम एंटर हो गए हैं। गाइज, यहाँ पे परफ्यूम की इतनी ब्रांड्स है ना, बहुत मस्त मस्त, पर मैं कुछ भी नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि बहुत खर्च हो गया है, ओवर लिमिट खर्च हो गया है। Czech Airlines flight 8 9 5 फाउंडेशन के सारे पैलेट है। सोनी इधर आओ, देखो आई शेडोज। सोनू
फ्रेंड्स अतिथि को ऐसा लग रहा है मैं ये ले लूँ या वो ले लूँ, क्या क्या लूँ। पर अब उसको पता है मम्मा कुछ नहीं दिलाने वाली है। Is it wine? मुँह खराब हो जाएगा तो वाइन है। ऑरेंज Уважаемые пассажиры, сеть транзитных отелей «Воздушный экспресс» What is this? Tequila? приглашает вас отдохнуть перед вылетом в комфортабельных условиях, не выходя за пределы аэропорта. Оплата почасовая от 4 часов. Отели расположены на третьем этаже в транзитной зоне терминала Е и Thank на you. Пятом этаже терминала «Аэроэкспресс». Получить информацию и забронировать номер вы можете по телефону 8 800 550 02 42. फ्रेंड्स देखो टेस्ट करके देखते हैं। फ्रेंड्स अभी जो आपने देखा छोटे से ग्लास में वो था टकीला और वो ना वाइन थी। वो वाइन थी, हमने स्मेल करके देखा, माय गॉड टकीला है, मतलब दारू ही ना, तो दारू थी। फिर हाँ, वो तो अच्छा हुआ मुझे पता था, नहीं तो मम्मी तो पीलो पीलो। नहीं नहीं, मैंने स्मेल किया ना, पहले स्मेल किया तो मुझे पता हो गया कि वो स्मेल किया तो वो बराबर नहीं है। फिर वो तो अच्छा हुआ कि हमारे दूसरे इंडियन फ्रेंड्स मिले तो उनको हमने बोला यू वांट, तो उन्होंने पी ली। ऐसा हुआ गाइस, नहीं तो मम्मी तो मुझे पिला देती। मैं सोच रही थी, मुझे लगा कि शरबत है ऑरेंज कलर का, और मैं उसको बोल रही ऑरेंज लो, पर मैंने स्मेल करके देखा तब पता चला कि ये तो माय गॉड अल्कोहल है। सुनिए यहाँ एक मस्त वॉच दिखा थी आपको, ये वाली देखो, ये वाली स्नेक टाइप ना, मस्त है ना फ्रेंड्स, ये वॉच मस्त लग रही है ना फ्रेंड्स। मैंने ये इतना मोटा वाला जैकेट पहन लिया है, ये फर्स्ट ईयर अतिथि जब गई थी ना इस रशिया, तभी मैंने मॉल में से 18,000 का कोरम मॉल में से 18,000 का जैकेट लिया था। उसने बोला था कोई स्विट्ज़रलैंड जाएगा ना तो वहाँ की भी ठंडी उसको बेर हो जाएगी, इसलिए मैंने इतना महंगा वाला जैकेट उसको दिलाया था, पर उसने एक साल भी नहीं पहना। पर अभी मैं इसको लेके आ गई हूँ और अभी भी मुझे इतनी गर्मी लग रही है ना ये पहन के, पर ये पहन के मैं ज़रूर एक दिन स्विट्ज़रलैंड जाऊँगी, इसीलिए मैं लेके आई हूँ। सभी हम लोग फ्लाइट में बोर्ड कर लिए हैं, फाइनली थोड़ा टेंशन कम हुआ है, पर मेन टेंशन अभी दिल्ली में चालू होगा। बस अभी बहुत जोरों से भूख लगी है, हम तीन हैं, हमारी तीनों की सीट अलग अलग मिली है हमको। अब देखिए कैसे एडजस्ट हो रहा है, अतिथि को विंडो सीट मिली है, मुझे 25 नंबर की सीट मिली है, जय को 26 नंबर की सीट मिली है, हम तीनों अलग अलग बैठे हैं। और आज फ्लाइट में बहुत सारे स्टूडेंट है जो रशिया से दिल्ली जा रहे हैं, सारी फ्लाइट स्टूडेंट से ही भरी हुई है, मेडिकल स्टूडेंट से।